हाथ में एक आवेदन है और मेरे साथ एक अपीड़ित युवा मौजूद है। सरकारी काम करते हैं, बिजली विभाग में अभी कार्यरत है। बिजली विभाग में ये मिस्त्री का काम करते हैं, लाइनमैन का काम करते हैं। आरोप है इस मामले में, इन्होंने SC ST थाना में एक आवेदन दिया है जिसमें एक शिकायत दर्ज किया है कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया और इनके साथ मारपीट हाथापाई की गई और इतना ही नहीं सरकारी काम में बाधा भी पहुंचाया गया। इस मामले को लेकर ये सीधे दरभंगा SC ST PS में पहुंचकर शिकायत दर्ज किया। शिकायत दर्ज होने के उपरांत लगभग शिकायत का एक महीना से अधिक समय बीत गया है, लेकिन सवाल ये है कि एक महीना बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण दिनेश पासवान थोड़ा नाराज है। नाराज इस बात से है कि इनको इस बात का आशंका है कि हो न हो कि हमारा जो थाना है, जिस पर इनको विश्वास है, जिस पुलिस पर इनको विश्वास है, जिस कानून पर इनको विश्वास है, इनके ही विपक्षी से मिलकर साठगांठ कर लिया और शायद यही वजह है कि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इस मामला में पुलिस अनुसंधान चल रहा है, पुलिस अनुसंधान में क्या कुछ निकल कर आएगा इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन अभी हमारे साथ दिनेश पासवान है, इनसे हम जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। हालांकि इस घटना से संबंधित एक CCTV कैमरा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद ही हम दिनेश पासवान के पास पहुंचे, इनसे जानकारी लेंगे पूरा मामला क्या है इसके बारे में जानते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले बताइए क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या मामला था, क्योंकि CCTV कैमरा का वीडियो भी वायरल हो रहा है, पूरी बात बताइए क्या हुआ और कब आवेदन किया और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई। मैं आपका चैनल का माध्यम से जितना असर तक देख रहे हैं लोग उनका मैं भारी हूँ। मेरा एक ही आरोप है, मेरे को मेरे अधिकारी SDO साहब हैं, उनके सूचना ग्रुप पे लाइनमैन ग्रुप होता है, बिजली विभाग के विद्युत सहायक अभियंता, हाँ सभी अभियंता जो है यही उनको बोला जाता है, यही बोला जाता है जी। तो उनके द्वारा एक ग्रुप में हम लोग का ग्रुप होता है, लाइनमैन ग्रुप है, उन ग्रुप के हिसाब से हमको कॉलिंग आया से एक कंप्लेन को खोरागाछी आर्या हॉस्पिटल का जो भी नाम है उतना याद नहीं है, बकायदा उनको हम बोला गया इसका कंप्लेन सॉल्व किया जाए। ठीक है, मैं क्या कंप्लेन किया था, उनका वोल्टेज का अपडाउन का वोल्टेज का समस्या था। अच्छा, समस्या था, देखिए आप 100 मीटर तक तार रखिएगा तो वोल्टेज आपको मिलेगा, यहाँ पर आप 500-700 मीटर तार बिछा लीजिएगा, खींचने के बाद आपको वोल्टेज थोड़ा कम मिलेगा, यानी मैन केबल से सीधे, हाँ, लंबा तार लेने पर वोल्टेज थोड़ा कम आता है, कम आता है, और उसके लिए ही मेरे को खबर मिला से आपका इनका लाइन का प्रॉब्लम है, आप जाके सॉल्व करिए। हम पहुंचे जगह पे तो रूपव सिंह जो है डॉक्टर साहब उनको हम कॉल किए, कॉल किया कि पहले उनका कंपाउंडर जो भी है उनका स्टाफ से मिले हम, उसी अस्पताल के उसी अस्पताल का जो भी कर्मचारी है जो भी बेचारा है उनसे मिले, तो बोला सर आ रहे हैं। ठीक है, हमसे फोन पे बात किए, कम से कम हमको 2 से 2.5 घंटा हो गया बैठा बैठा, तो हम लास्ट में इनको ये बोल दिए सर हम इतना समय नहीं है आपको 2 घंटा देंगे, तो और पब्लिक मेरे पास वेटिंग में बैठे हुए हैं, लाइन उनका डिस्टर्ब है, गर्मी है, गर्मी देख रहे हैं आप लोग कितना भीषण गर्मी है, इसमें लोग में रहना मुश्किल है। तो हम पहुंचे जगह पे तो रूपांग सिंह हमको फोन पे ही पहले जो भी है धमकी धमकी गाली वाली देने लगा, तो लास्ट में हम वहां से निकल गए, गाली वाली दिया तो हम उतना उस चीज को देखे नहीं, बोला हम भी फील्ड में रहते हैं तो होता रहता है उतना दिमाग देंगे तो हर पब्लिक से हमको लड़ना पड़ेगा, फिर तो काम ही नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। हम चल दिए वहां से, तब हम कुछ अनुमंडल के पास आए हैं, वहां पे वो लाइन खड़ा था उसको ठीक करने के लिए, तो मुझे फोन कर दिया बिल्कुल हम 6 महीना से तुमको ढूंढ रहे दिव्या लेके, तो हमको थोड़ा आक्रोश आ गया, भाई हम आपको चिंतित भी नहीं है, नहीं आपसे कभी मिले हैं, नहीं आपको कुछ नहीं है, तो हम ठीक है, तो हम मेरे साथ में 2 लड़का रहता है, हम रात रहे हम 2 लड़का लेकर चलते हैं, क्यों रात बिरात अकेला डर लगता है, इसके कारण हम 2 बजे रात को 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, 24 घंटा ड्यूटी करते, तो हम निकले 2 लड़का के साथ में, बोले हम उनको क्या सर एक बात बताओ, पहुंचे गाड़ी से पहुंचे, हम अपना बाइक पर बैठे हुए हैं, उनका कल का बाथरूम जैसा बनाया हुआ, वो मुझे तो वहां से उनका कैमरा भी नहीं दिख रहा है, उतरा जैसे 4-व्हीलर से मेरे को मारना चालू कर दिया, पूछा भी नहीं तुम क्यों ऐसा, हम कुछ पूछा नहीं मारना चालू कर दिया। मतलब उस समय जिस समय आपसे बात हो रही थी उस समय आपके पास आईडी था, आईडी भी था मेरे पास, सब कुछ बकायदा था, इसका आईडी का मेरे पास 2 कॉपी था। अच्छा, ये 2 कॉपी था तो मैं गले में लगा, ये आपके पास ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल मेरा आईडी कार्ड है, क्यों आईडी कार्ड खो जाता है तो हम लोग को क्यों, हम लोग कितना नहीं है पैसा, ये 500 रुपया बनाने में लगता है, हम लोग एक दिन का दिहाड़ी 500 रुपया नहीं है, हम कहां से आईडी कार्ड बनाते हैं, ये आईडी आपको कौन देता है बना के, ये मेरा हां बिजली विभाग से मिलते हैं, जैसे आपका साइन देते हैं एजेंसी का साइन देते हैं इसके ऊपर, ये हमको जाकर बेनीपुर या दरभंगा से बनाना पड़ता है। अच्छा, बकायदा तो हमने इनको बोले रूपम सिंह को, तो सीधा आए मारना चालू के, कुछ पूछा अच्छा भी नहीं किए, तकर बाद हमको चम्बर महत्व खींच के ले जाना चाह, हम नहीं गए, तो हम बोले नहीं आपको जो भी बात करना है बकायदा आप कैमरा के सामने बात करिए, कैमरा के सामने भी हमको लात मारना ये चालू कर दिए, मारने के बाद भी तो हम बोले हम जा रहे हम थाना पर केस करेंगे कंप्लेन करेंगे, तो बकायदा हम पहुंचने वाले हैं कि बोला जाओ तुम केस करोगे हम तुमको पैसे तोल देंगे, हम जो भी है प्रभारी करोगे पैसे पर हम खरीद लेंगे तुमका केस खरीद लेंगे पैसे पे, तुमको कहूं कुछ नहीं कर पाओगे। बकायदा हम आवेदन आप देखिएगा, देखिए 5 तारीख 2000
आठवां महीना 2024 को मैंने आवेदन दिया, आवेदन दिया 5 अगस्त को। हाँ 5 अगस्त को आवेदन दिए हैं। आज कितना तारीख है? आज आपका अंदाज से मेरे बताइए 21 तारीख हो गया, 21 सितंबर हो गया, 21 सितंबर हो गया। मेरे आवेदन का कोई सुनवाई 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। नहीं प्रशासन अभी तक इस पे पहल किए हैं, नहीं कुछ किए हैं। हमको लग रहा है, हमको शक हो रहा है, ये लोग ना ये आवेदन के हिसाब से मेरे शक हो रहा है, मेरे जान मान के भी खतरा है। अच्छा, जान मान के ये खतरा है, मुझे धमकी मिल रहा है, आपको गोली मार देंगे, नहीं तो कभी फोर व्हीलर से मुड़ा देंगे रास्ते पे आपको। ऐसी धमकी भी मिली? ऐसा धमकी भी मिली है। उसका बाद प्रशासन से भी मैं गुहार लगाया हूँ कि मेरे धमकी मिल रहा है सर, इस पे आप कड़ी नजर से देखें, इसको जांच पड़ताल में। ये भी आ रहा है कि कुछ लोग आपके घर पर भी आए थे केस उठाने के लिए, क्या मामला हुआ? केस उठाने आए तो वो भी रफ्तार से आए हैं, आप केस उड़वाब से आए हैं, सो आप नहीं उठाइएगा तो पैसे के दम पे हम थाना भी खरीद सकते हैं। अच्छा, पूरा हम आपका कमजोर केस कर देंगे, कमजोर बकायदा वाला केस हो गया। इतने दिन के बाद आपका FIR जो है वो दर्ज किया गया है? मुझे तो 1 महीना 10 दिन का बाद, यानी 1 महीने 10 दिन के बाद FIR दर्ज होता है। रोज हम आवेदन देने के 1 महीना 10 दिन दस दिन के बाद आवेदन देने के बाद 1 महीना दर्ज। आप क्यों रुके हुए थे, क्या कारण था या क्यों FIR नहीं हुआ? देखिए, उनके गांव का संजय सिंह जी एक पत्रकार हैं, उनको बकायदा हम इन्फॉर्मेशन किए थे सर ऐसे से बात है, देखिए मुझे साथ मारपीट हुआ है, बकायदा मेरे पास वीडियो भी है, जैसे मारे हैं, हम उनको एक शब्द भी नहीं बोले, उस पर हाथ भी नहीं उठाए। तो संजय सिंह बोला क्या देखिए गलती किया होगा, तो 5 लोग को हम बुला के पंचायती करवा देते हैं, गलती होगा वो गलती मानेगा, इनको भी इनका भी बात नहीं सुना दिया, तभी बेचारा हमको इनके वजह से ही, हम संजय सिंह जी के वजह से ही रुके हुए थे, नहीं तो हम तो कब का FIR करवा देते, जो भी हमका जो प्रक्रिया हम करते। अभी भी हम कानूनी, संजय सिंह कौन है उनका? उनका चचेरे भाई लगेंगे, तो उनके वजह से आप 1 महीना उनके वजह से रुके। 1 महीने के बाद भी वो धमकी हमको देना चालू कर दिया। अच्छा, कायदा हमको धमकी चालू कर दिया, रास्ता पेरा हमको धमकी देना चालू कर दिया, ऐसा कर देंगे तुमको, ऐसा कर देंगे, तुम थाना पर केस करने के हो, तुमको गोली मरवा देंगे, तुमको रास्ते में उठा लेंगे हम। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ है? अभी क्या हुआ, अभी गए तो थाना पर एक दिन वो लोग फोर व्हीलर से करीब 5-6-7 लोग से पहुंचे, वहां पे पेड़ भी लगाए हैं, सो केस को कमजोर किया जाए, प्रशासन से विपक्ष से मिल के, प्रशासन दोनों मिल के एक केस को कमजोर किया गया, प्रशासन से मिलके किया गया हुआ है, नहीं तो जिस हिसाब से मेरा आवेदन दिया गया हुआ है, जिस हिसाब से मेरा फुटेज है, ये आपका ST थाना पर है। आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या है, कौन? आलोक कुमार थे। नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम क्या? उपेंद्र प्रसाद, विद्यार्थी। विद्यार्थी पहले तो HSO सब आए थे, SHO साहब आए, पहले खुद HSO साहब आए थे, जो घनश्यामपुर से ट्रांसफर होकर वो ST थाना में गए। क्या नाम है उनका? आलोक, आलोक कुमार जी इनका नाम है। वो पहला प्रतिनिधि जांच करने के लिए वही आए थे। अच्छा, मतलब अनुसंधान वही करने आए। उसका बाद जो बोलते हैं छोटा, उनसे आयोग जो बोलते हैं, जो छोटा बाबू उनको कहे, तो तब वो दूसरा आयोग में वो आए हैं जांच में। तो क्या जांच में घटनास्थल पर गए थे, आपको बुलाया गया? हाँ, हमको बुलाया गया था, बगैता बुलाया गया था, हम गए थे, तो जहाँ भी देखे तो उनका भी एक रुतबा देखे तो उनके ही तरफ। अच्छा, उनके ही तरफ उसको विपक्ष के ही तरफ वो संधान कर रहे थे, मेरे तरफ वो मुहरा था, उनका दिखावा था। फिर आवेदन ST वाला मामला था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इनको देखा जाए तो ये कम से कम आवेदन देने के बाद 10 या 12 दिन के अंदर उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। नियम तो यही है, नियम यही है। और उसका बाद हम कल एगो जो आयो है उनसे बात किए हैं, तो वो आयो बोल रहे हैं क्या, हम आपसे भी बात किए, उनको भी बोले थे 18 तारीख आने के लिए, आप बेल करवा लीजिए। अच्छा, जो आपने आवेदन दिया, क्या इसमें सब बात सही है या कुछ मिक्स भी किए? नहीं, हम कुछ मिक्स नहीं किया, मिक्स किए होंगे तो जो जांच किया जाए, हम गलत दोषी पकड़ाए गए हैं तो हम पे भी कार्रवाई होना चाहिए। यानी अगर आप गलत लिखे हैं, गलत बताए होंगे तो हम पे भी कार्रवाई होना चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे। पुलिस के कार्रवाई से अभी आप संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। लग रहा है कि पुलिस सही काम नहीं कर रही है, ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे, विपक्ष मिल गया हुआ है। अच्छा, जो चीज से उनका आयोग पैर भी तक गए थे, आलोक कुमार हमको बोले थे सर तुम दिनेश तुम पैर भी लगाए हो, हम बोले सर हम पैर भी नहीं लगाए हैं, बकायदा उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अच्छा, आलोक कुमार जी का रिकॉर्डिंग है, सो आप तुमने दिनेश पैर भी लगाया है, हमारा साहब ने हमको फोन किया था। अच्छा, इसका मतलब उसी दिन हम पहुंचे थे उनको थाना थाना पे, और उसी दिन जो विपक्ष वाला मेरा है वो भी पहुंचे हुए, वो हमसे पहले वो पहुंचे थे, हम उसको देख के पहुंचे थाना पे। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे हमको आवेदन लिखा गया, वो बोला सुबह तक 10 बजे तक तुम देखो, ये लोग कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार होता है तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारा केस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव दिया गया है। आपके विभाग, बिजली विभाग के आई साहब या जय साहब या उनके और भी जो कार्यरत है कर्मचारी है, उनके तरफ से क्या कुछ सपोर्ट किया गया? देखिए, सपोर्ट किया गया है जो हम वो सर हमारा जो आई साहब हैं, वो खुद बोले देखिए हमने ग्रुप में दिए हुए हैं, ये लड़का गया है उस पे गलत, हाँ इसके साथ दुर्भाग्य किया,
बाकायदा हमारा ऐसा जो बोले हैं वो हमारे पास साबुत है। जो आयो सर जो आए थे, जो आयो सर आए थे, जो आलोक कुमार जी जो जांच करने के लिए, उनसे भी बात हमारा एसडीओ साहब के, तो एसडीओ साहब खुद फोन पर बोले हैं नहीं वो व्यक्तिगत डॉक्टर गलत है, जो मेरे साथ भी दुर्भाग्य जैसा बात किया है, मेरे साथ गलत बात किया है। कौन किसने कहा आपको? आपके जय साहब ने, एसडीओ साहब ने किया। अच्छा, आई साहब ने, वो जो पुलिस ऑफिसर थे आलोक कुमार जी, उनको फोन पे बात किया मेरे मोबाइल से ही। आलोक जी से बात किया तो आलोक जी ये भी पूछे हैं जो आप इनके लिए क्या किए हैं, तो बोले तो देखिए हम अपने लिए तो जो हमारे अंदर में जो है हमने इनके किए हैं, इनका एजेंसी के भी बोले हुए हैं ऐसे ऐसे दिन है ऐसे रात है, तो हम अपना देखिए हमने इसमें जैसा को घुसते हैं नहीं ऐसा को घुसते हैं, किसी को नहीं घुसते, क्यों व्यक्ति का देखा जाए तो मेरे साथ दुर्भाग्य हुआ है। और सरकारी काम में आपने बाधा भी डाला है। अब बाधा डाला यह है ट्रांसफार्मर गाड़ने का मेरे अंदर इतना, मेरे पेन से ट्रांसफार्मर गड़ जाता, मेरे पेन से आपका जो पॉल होता है वायरिंग होता है हो जाता तो हम दो मिनट में कर देते। अच्छा, आपके पास वो पावर नहीं? उतना पावर नहीं है, मैं एक लाइनमैन हूँ, आपका सर्विस वायर खराब हो गया वो ठीक कर देंगे। अच्छा। हाँ, सर्विस मीटर तक लाइन नहीं जा रहा है उसका गारंटी मेरा है, पहुंचाने का मेरा ये सब काम आप कर सकते हैं। कर सकते, बाकी पोल गाड़ना जैसा साहब का काम है करवाना है, उनके अंदर भी ये चीज नहीं है, ये इसका टेंडर चलता है, तो वो अलग विभाग है, वो अलग विभाग है, ये ऊपर से टेंडर होता है, जैसे आप रोड की ठेकेदारी करते हैं वैसे इसका ठेकेदारी, उसके लिए जैसे आपको भी ठेकेदार से बात करना, बात नहीं है, बकायदा आपको आवेदन देना पड़ेगा, लिखित आवेदन देने पड़ेगा, ये जई साहब एसडीओ साहब को देंगे, एसडीओ साहब एसी साहब को देंगे, स्कूटी साहब को जिनको देना है उनको वो देंगे, तब एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट बनकर जो ठेकेदारों का काम करेगा। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर कहे तो पुलिस के जो कार्रवाई है उससे आप खुश नहीं है? नहीं है, हम सोच रहे हैं, एक सोच क्या है, हम एक बाकायदा हमें आवेदन लिखित में देंगे एसटीसी थाना में जाके, ये जो आप मेरे आवेदन के हिसाब से जो एक्ट लगना चाहिए वो नहीं लगा, हम संतुष्ट नहीं है, वो हिसाब से मैं वो आवेदन देंगे। अब आप आगे क्या करने वाले, कहां जाने वाले? हम आगे सोच रहे हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अच्छा, डायरेक्ट कोर्ट खाएंगे तो प्रशासन आप मिली भगत है तो हम खोल के बोल देते हैं उनको, मिली भगत ये है हम गरीब है तो मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, मैं एक मजदूर आदमी, मेरे सुनने वाला कोई नहीं है, जो पूंजीपति वाले लोग हैं, जो पैरवी वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता उनके सर पे हाथ है उनका सुनने वाले हैं प्रशासन। बिजली विभाग के एक कर्मी है और लाइनमैन के रूप में काम करते हैं बिरोल में, इनको एक बिजली का काम के लिए बुलाया जाता है, इसके साथ मारपीट या गाली गलौज किया जाता है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं, यानी ये 8 अगस्त को इन्होंने एक आवेदन देते हैं और ये आवेदन के बाद हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी, 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी ये संतुष्ट नहीं है पुलिस के कार्रवाई से, अब आगे कोर्ट का रुख अख्तियार करने वाले हैं। दिनेश पासवान हमारे साथ थे, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, अकबरपुर में के अस्थायी निवासी हैं। अब इस मामले में हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे डॉक्टर रूपक जी से कि क्यों आखिर ऐसा किया, क्या कुछ मामला था, क्यों इनके साथ हाथापाई पे उतर गए, जबकि जो काम इनसे नहीं होने वाला था ये काम इनसे जबरदस्ती क्यों करवाना चाह रहे थे, ये सारी जानकारी हम डॉक्टर रूपक से मिलकर उनसे भी जानकारी लेंगे और उनसे भी बातचीत करने का, इस मामले में उनका भी पक्ष रखने का पूरा प्रयास करेंगे। धनके बिजली विभाग के कर्मचारी और लाइनमैन दिनेश पासवान के साथ जो मामला हुआ था, उसी मामले को लेकर जिस दिन वो मामला हुआ, जिस समय वो वारदात हुई थी और जो सोशल मीडिया पर जो सीसीटीवी का फुटेज वायरल हो रहा है वीडियो, उस वीडियो में ये लड़का भी दिख रहा है, आखिर ये उस समय कहां से आया था, किधर जा रहा था, क्या कुछ हुआ था और प्रत्यक्षदर्शी के रूप में इन्होंने क्या कुछ देखा, ये सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। ये बताइए, पहले बताइए क्या नाम है आपका? सुशील शर्मा। अच्छा सुशील जी, आप उस समय कहां से आ रहे थे जो आपने वो वीडियो देखा, वीडियो में आप दिख रहे हैं सीसीटीवी में? मैं 17 नंबर से जा रहा था बुरवा की ओर। अच्छा, अपने निजी काम से जा रहे थे जी, तो क्या देखा आपने वहाँ पर रुक करके? वहाँ पे देखे दिनेश के साथ लड़ाई हो रहा था, मारपीट हो रहा था और वहाँ पर ये भी वारदात हुआ, जो गाड़ी से उतर के वो बोला साला मैं तेरे को 6 महीना से ढूंढ रहा हूँ तू कहाँ पे है, उतर के इनसे बहस करने लगा और पहले 2 तमाचा डाला और फिर लात से मारा। अच्छा, हाँ कौन था वो, पहचानते हैं आप? हाँ, राजपूत था वहाँ का, सोनपुर का। अच्छा, हाँ तो रूपक सिंह नाम था उसका। अच्छा, तो उन्होंने उनके साथ मारपीट किया? हाँ, गाली गलौज किया जी। क्या जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था जी? क्या क्या बोले थे? बहुत भद्दी भद्दी गाली दे रहा था। गाली दे रहा था। हाँ, आप ये सब सुन रहे थे? हाँ, क्योंकि वीडियो जो चल रहा है सीसीटीवी उसमें आप मौजूद हैं? हाँ जी, मैं मौजूद हूँ। तो सही बताइए ईमानदारी से, जो कुछ हुआ वही बात बताना है, वो क्या करने के लिए दिनेश पासवान आ गया था, कुछ पता चला आपको उस समय? वहाँ पे शायद लाइन, वहाँ पे मीटर का कोई इशू था जो कि वोल्टेज के कारण हुआ था, तो एसी उसी चल रहा है, हॉस्पिटल है, लंबा रूट से लाइन लाया है, तो वोल्टेज का प्रॉब्लम होवे करेगा, कंप्लेन करेगा सीओ साहब को, वो इसको तो कुछ नहीं बोल सकता ना, उसके मैटर में ये सब हुआ था। अच्छा, हाँ आप देखे थे ये सब? हाँ देखे सामने जी। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ सुशील शर्मा है, अकबरपुर बैंक के ही रहने वाले हैं, इन्होंने
प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वहां पर सब कुछ देखा, घटना के पूरे वारदात को देखा, सीसीटीवी जो कैमरे का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में ये भी उसमें दिख रहा है। उस दिन क्या कुछ हुआ था सबसे पहले तो ये बताइए, जब आपके पास बिजली मिस्त्री काम करने आए थे तो पहले क्या हुआ था जो वीडियो दिख रहा है? देखिए सबसे पहले हुआ क्या था, वो पहले अकेला आया लाइन चेक किया और लाइन चेक किया, वोल्टेज 160 दिखा रहा था। तो स्टाफ के द्वारा मुझे फ़ोन आया कि सर इसी से बात है, मिस्त्री आया। मैं बोला उसको बिठा कर रखो, मैं वहाँ आ रहा। तो वो फिर मैं स्टाफ से बोला तो स्टाफ बोला सर वो रुक नहीं रहा है, वो जो है जाने के लिए धरपड़ी, बोला मुझे बहुत सारा काम है। मैं बोला सामने दिखाऊंगा ना उनको, एसडीओ साहब से बात किया हूँ कि मेरा वोल्टेज नहीं बोल रहा है। वो मुझे बोलने लगा कि आप कौन होते हैं, हम आपको कहाँ से ला के देंगे वोल्टेज फलाने। मैंने बोला आपसे तो मैंने बोला ही नहीं वोल्टेज लाने के लिए, ना मैं आपको जानता हूँ, मैं एसडीओ साहब को जानता हूँ। एसडीओ साहब अगर मुझे लाइन नहीं देंगे, वोल्टेज नहीं देंगे, तो मुझे कह दिया स्पष्ट में, हम अपना अस्पताल बंद कर देंगे या फिर मान लीजिए हम आगे का कार्रवाई करेंगे। बार बार मान लीजिए आप अधिकारी हैं और अधिकारी से बात पूछा जाए कि बिजली ऑफिस के जस्ट अपोजिट में मेरा अस्पताल है, जस्ट अपोजिट में। यहाँ गांव में नरेंद्र मोदी का योजना आया है कि घर घर बिजली, जहाँ एक भी घर हो वहाँ भी बिजली होना चाहिए। जो कि मेन रोड खोरागाछी का रोड है, किसी से भी सवाल पूछा जाए कि ये खोरागाछी के रोड में आधे उस तरफ आधे उस तरफ बिजली है, मात्र 600 से 700 मीटर में बिजली नहीं है, आखिर क्या कारण है इसका? क्या मतलब उसमें जो मकान बनाएंगे जो जिनका जमीन है उनको बिजली नहीं दिया जाए या दिया जाए, ये भी एक सवाल बनता है। खैर वो सब तो बात की बात है। तो इसी संदर्भ में मैंने सर से पूछा कि सर ऐसे से बात है, जो पोलिंग का कॉस्ट आएगा आप अगर नहीं भी देना चाहते, जो पोलिंग का कॉस्ट आएगा, जो वायर का कॉस्ट आएगा, मैं बियर करने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे एक काम करवा दीजिए। उसके बाद मिस्त्री को भेजा गया, मिस्त्री ने बोला कि मेरा वोल्टेज 160 ही पुरता है। मैं बोला 160 हमें कहाँ से पुरा दूँ? मैं बोला आपसे तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो एसडीओ साहब को फोन किया था ना। एसडीओ साहब अगर मुझे कहेंगे कि नहीं इससे ज्यादा नहीं कर सकते, फिर मैं आगे की कार्रवाई करूंगा, आगे जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, उनसे नहीं होगा, मैं जिला में जाऊंगा, विराज में जाऊंगा, मुख्यमंत्री में जाऊंगा। तो बोला नहीं आपको इतना ही वोल्टेज मिलेगा, 400 मीटर में है, आप क्या कर सकते हैं? वो अपना पावर दिखाने लगा। उसके बाद बोला कि हम जो है मुखिया सरपंच फलाना निकाना ये सब वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने बोला कि इससे पहले भी वो लड़का 3 बार 4 बार मेरी बिजली के लाइन को कटअप किया गया था बिना कोई नोटिस के, बिना नोटिस के बिजली। इस बात को मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, बिना कोई नोटिस के मेरी बिजली को 3 बार 4 बार कटअप हुआ था। मेरे पिताजी ने उनसे बोला था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं उसमें दिल्ली में था, लेकिन ये लड़का बार बार कटअप किया। मैं आने के दिल्ली से आने के उपरांत मैं गया बिजली ऑफिस, मैंने पूछा ये लड़का दिनेश पासवान नाम का कौन है। बिजली वाले ने किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि लड़का मेरे यहाँ नहीं है। बिजली ऑफिस में ये बताया गया कि आपका लाइन क्यों काटा जा रहा है? नहीं, ये भी मुझे नहीं बताया गया, जबकि मैं प्रति माह बिजली बिल पे करता हूँ। आप मेरा अपडेट देख सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मेरी लड़ाई कुछ नहीं है, मेरी लड़ाई है ही नहीं किसी से, मेरी लड़ाई बस बिजली की थी। मुझे बिजली दे दिया जाए, चाहे पैसे लेके दे दो, चाहे जैसे भी दे दो। फिर उसके बाद उस दिन क्या हुआ? उसके बाद उस दिन 160 वोल्टेज दिखाया। उसके बाद वो रुआब से इतनी तरह से बात करने लगा, मुझे तो नहीं पता था वो कौन है क्या है। बोला था मैं विधायक का मेरा पहचान है, मेरा संसद का पहचान है, मैं आपको मुस्लिम चार गुंडे, मैं लोकल हूँ, मैं मुस्लिम चार गुंडे से आप लोकल से मुंह लगाइएगा, आपको मैं पिटवा दूंगा वगैरह वगैरह। गाली गलौज कर रहा था, मेरे हनुमाननगर के कई सारे पेशेंट यहाँ पे पड़े हुए थे, कई भदी भदी गालियां। मैंने उनको कई बार बोला कि आप कैबिन में चल के बात करो, बाल बाल मेरे साथ बोल रहा था कैमरे के सामने बात करिए, कैमरे के सामने बात करिए। उसके बाद वो जाने का नाम नहीं ले रहा था, मैंने उसको धक्का दिया, धक्का में वो दिखाया गया कि हाँ वो लात से धक्का दिया गया। अगर आप ही सोच सकते हैं, अगर मुझे उससे मारना ही होता तो मेरे पास विकल्प बहुत थे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे बांध भी दिया रस्सी से। अच्छा आप ही बताइए मुझे, अगर किसी को बांध दिया जाए, आप इस कमरे में हैं अभी, आपको अगर मेरे पास 4 स्टाम्प, अगर आपको बांध दिया जाए तो आप कहें कि यहाँ से जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई आएगा तभी जा सकते हैं। तो बांधने वाली बात तो हो ही गई। और जहां तक बात रही उसमें जितना नोटिस में दिया 5500 रुपए, क्या आपको लगता है कि मेरे पास जो करोड़ों की संपत्ति है उसमें 5500 रुपए का अभाव है? बिल्कुल है, 5500 रुपए का अभाव है जो मैं उससे छीन लिया हूँ? बिल्कुल नहीं। ये भी आप, ये तो कॉमन सेंस की बात है, समझदारी की मेरा जो सामान था वो भी। आप ये बताइए टेस्टर पिलास की बात, इतना बड़ा हॉस्पिटल है मेरे पास, चेंजर वेंजर सब कुछ है, आपको लगता है छोटा पिलास टेस्टर में छीन के उसका क्या भला कर सकता हूँ या अपना भला कर सकता हूँ या उससे मेरा गुजारा हो सकता है? ये तो आपको समझने वाली आवेदन में ये भी दर्शाया कि हमने स्थानीय थाना बिरोल को सूचना दिया, आवेदन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं की। वो तो थाना वाले ही बोलेंगे कि क्या किए नहीं किए, उतना तो हमको पता नहीं क्या आवेदन दिया नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जैसे वीडियो की बात आई, वो वीडियो जिस वीडियो के ऊपर वो जा रहा है, वो वीडियो दरअसल जो है पूरा वीडियो नहीं दिखा के सिर्फ उतना दिखाया है कि मेरे को इस तरह धक्का दिया गया, मारा गया। अच्छा, बाकी वीडियो को काट, बाकी वीडियो काट के हटा दिया गया, क्योंकि मेरे समक्ष में मेरे पास 10 स्टाफ हैं। तो बाकी वीडियो में क्या था? बाकी वीडियो में ये था कि जब मैं आने से पहले मुझे फोन किया गया स्टाफ के द्वारा, स्टाफ बताया कि सर ये आया है। उसके बाद मैंने बोला आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद उसने बोला कि मेरे को मेरे पिताजी के नाम से बोला गया, आप मेरे साथ कितने साल से जुड़े हुए हैं, आपके पिताजी का क्या मैं नाम जानता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं किसी स्टाफ में किसी पिताजी का नाम जानता हूँ?
तो मैं कैसे उनके पिताजी का नाम जानूं जो पहली बार मेरे से भेंट मुलाकात है। जो कह रहे थे कि हमको मतलब कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, गाली दिया है, आपके पास जो स्टाफ करते हैं क्या वो भी इसी प्रकार के आप दलित हैं? आप मेरे सारे स्टाफ से पूछ लीजिए, जो स्टाफ मेरे पास हैं, जो नहीं है, जो पहले भी काम कर चुके हैं। मैं जाति की बात कर रहे हैं, जाति तो मैं जानता ही नहीं, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मेरी जाति क्या है। मानव जाति ही इस संसार में जाति है, मेरे पास तो भिन्न भिन्न जाति के हैं। ये लड़का भी है, ये मुस्लिम है, क्या मैं से पूछिए? मैं कभी इसको पूछा हूँ क्या तुम मुस्लिम हो? पूछिए, मेरा स्टाफ साहब पूछ सकते हैं, ये यादव है, क्या मैं पूछा हूँ कि तुम यादव हो? मेरे पास ताती भी है, क्या मैं पूछा हूँ कि क्या तुम ताती हो? मेरे पास राम में भी है, मेरे पास पासवान में भी है। मैंने कभी जाति की बात कही नहीं, और मैं हमेशा गरीबों के लिए काम करता आया हूँ। मेरे पास कई सारे पेशेंट हैं, मेरे गांव में भी कई सारे ऐसे पेशेंट हैं, मैंने कई सारे पेशेंट का इलाज किया है जो कि निम्न वर्ग से आते हैं, जिनके पास सही में अपना उपचार कराने के लिए भी पैसे नहीं है, बहुतों के पास अभी बैलेंस मेरा पैसा बचा हुआ है। उसके गरीबी को देख के मैं गरीबों के लिए काम करता हूं। मैं मेरी जाति में क्या हूं, ये जाति क्या अपनाने का, मैं इसमें बिलीव करता ही नहीं हूं, मैं मॉडर्न युग का हूं, मैं क्यों जाति में बिलीव करूं? जाति में बिलीव मैं आप ही से पूछता हूं, क्या मैंने आपसे कभी पूछा कि आप किस जाति या धर्म हो? मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं। तो ये आरोप में, जाति के आरोप में ये लगाना और लगा के ये केस करना कि मुझे गलत गलत तरीके से जाति के बारे में बोला गया, तो बिल्कुल निराधार है। बाकी आपको अगर मेरे बारे में जानकारी चाहिए, आप भी जानते हैं, और भी जानकारी चाहते तो मेरा गांव पड़ा हुआ, मेरा गांव सोनपुर है, आप जाके पता कर सकते हैं। डॉक्टर रूपक जी, एक बात और है कि जब अनुसंधानकर्ता आए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, अस्पताल के बाहर आए होंगे, आपसे पूछताछ की होगी, तो क्या अनुसंधानकर्ता ने क्या कुछ कहा? अनुसंधानकर्ता आए और मैं तो जा ही रहा था ओपीडी करके, करता है और बोले कि आपका नाम, बोले डॉक्टर रूपक सिंह, बोले क्या कहता आप पे केस हुआ कि आपने इसको मारा है? बोला सर मैंने मारा नहीं है, मैं ये गाली गलौज इतना कर रहा था, यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। बोला मैं और भी 5-10 आदमी को बुलाऊंगा, 4-5 मुस्लिम गुंडे, 4-5 हिंदू गुंडे को बुलाऊंगा, इनको पिटवाऊंगा। मैं बोला मेरा अस्पताल यहाँ पे है, आपको जिसको बुलाना है बुलाइए, हम ये देखें कौन हमको मारने आ रहा है। वो तो यही बात मैंने सर को बताई, सर ने बोला ठीक है इसका इन्वेस्टिगेशन आप, खैर वीडियो में आपका ही दिखा रहा है कि आप इसको मार रहे हैं। हम बोले सर वीडियो पूरी तरह नहीं है, वीडियो में ये पूरा वीडियो अगर निकाला जाए तो शमशाद जी के पास मेरे यहाँ से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है, उसी ने इसको पूरा वीडियो दिया गया है। अगर उनसे ये कहा जाए, जो जैसे भी मतलब उनसे ये कहा जाए, उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि पूरा वीडियो दिखाया जाए, उसमें सरासर दिखेगा कि 4 गुंडे लेके ये आए थे और यहाँ धमकाने वाली काम किया गया था, जिसके आरोप में कई बार यहाँ पर सीटी भी बजाया गया महिला स्टाफ से। मेरे पास राम में महिला है, आप उनसे भी गवाही दिलवा सकते हैं, मेरे पास स्टाफ भी है, स्टाफ को भी कई बार धमकी दिया गया, स्टाफ भी गवाही दे सकता है, और भी बहुत सारे हैं। कह रहे थे आपके बारे में कि डॉक्टर रूपक जी मेरे घर पे भी आए थे, यहाँ भी धमकी देखे गए, धमकी आरोप मेरे साथ, देखिए मेरे साथ जो भी लोग गए हैं शायद उनसे भी आप पूछ सकते हैं, किसी को धमकी मैंने नहीं दिया है। मेरे साथ इस बिरोल के अच्छे अच्छे व्यक्ति लोग गए थे, उनमें आपको पता ही है एथिबियल विकास के सारे सदस्य गए थे, उनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि ये छोटा सा छोटी मोटी बात को आप केस पे ले आए, तो ये चीज सही नहीं है। तो वो बोल रहे थे मुझे धमकी दिया गया, अब क्या कहें? वो तो पुलिस वाले जो मेरे पास वेरिफिकेशन करने के लिए, उनको भी बोला कि आप जो है मेरा केस रजिस्टर नहीं किए 1.5 महीना से, मैं भी आपके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। एक बंदा ये भी आरोप है कि पुलिस से आपका तालमेल हो गया। हाँ बताइए, उनका ये भी आरोप है कि मेरा पुलिस से था। आप बताइए, मैं बिरोल में हूँ, मेरा दरभंगा में कैसे तालमेल हो सकता है? मेरा क्या बिहार में कैसे तालमेल हो सकता है? हर जगह मेरा तालमेल हो सकता है, हर जगह मैं ही गलत हूँ, क्या आपको लगता है? हर जगह मतलब एक इंसान सही है, बाकी जो इंसान जितने इंसान हो सब सारे गलत हैं, आपको ऐसा लगता है? कभी ऐसा हुआ है 10 आदमी जो बोलता है, लोग समाज में बोला जाता है कि 10 आदमी जो बोलता है वो सही होता है, एक इंसान की बातों का भरोसा नहीं होता। हम लोग इतने इंसान हैं, या मतलब पुलिस वाले भी गलत हो गए, जो उनका केस लेने आए, जो रजिस्टर केस किए वो भी गलत हो गए। बताइए अगर वो गलत होते तो मेरा केस रजिस्टर नहीं करते, सोचने वाली बात है। ये तो आपको मिलाकर अगर बात करें डॉक्टर जी, तो आप पर जितने भी आरोप लगे सब निराधार है? निराधार, बिल्कुल निराधार है जी। आप पूरा पता करवा लीजिए, मैं तो बताऊं, मेरा गांव सोनपुर है, मेरे अभी भी सोनपुर के ही पेशेंट मेरे पास है, जली हुई है बेचारी, पूछिए उनके पे कि कितना उनपे अभी भी पैसा बकाया, मैंने कभी उनके तगड़ा नहीं किया, आज 6 महीना साल भर हो चुका है, फिर भी मैंने उनको आज तगड़ा नहीं किया है। कब से अस्पताल यहाँ चलाया जा रहा है? देखिए अस्पताल तो मतलब 1.5 साल तो बनने में ही लग गया, मेरा मकान का स्थिति जर्जर हो रहा था, मैंने पानी के लिए, मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, मैं ना किसी पर केस करना चाहता, ना किसी को मारपीट करना चाहता, ना कुछ भी करना चाहता हूँ। मैंने आज तक चींटी नहीं मारा तो इंसान को क्या मारूं? आज तक कोई बोल दे कि मेरे खिलवा, मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं, जो मेरे पास हथियार है या गोला बारूद है, ऐसा कुछ है, कुछ तो है नहीं मेरे पास। जब कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो बार बार एप्लीकेशन में ये कहा जा रहा है कि मुझे गोली मारने का धमकी, मेरे पास गोली है क्या? आपको पता है मेरे पास गोली है क्या? नहीं है ना, थाना से लाइसेंस ही नहीं है मेरे को, तो मेरे पास गोली कहाँ से हो जाएगा? वो ना मुखिया का लड़का है, वो धमकी दिला रहा है, वो तो कई पे केस कर चुका है, आपको भी पता है कि कई लोगों पे केस कर चुका है वो,
ये जाति बक्सूद शब्द के पैसे ऐठने की बात कर रहा था। मुझे बोला कि मैं केस मैं ऐसे आपको जो है समझौता नहीं करूंगा, आप मैं पहले केस का फाइल लेके आऊंगा, मैं शाम में आपसे बात करूंगा। जब सारे लोग रूरल विकास के गए, बोले शाम में मैं बात करूंगा कि शाम में जाने के बाद मैं केस का बिल लेके आऊंगा और उसके बाद आपसे मैं पैसे की बात करूंगा, मेरा जितना खर्चा पानी लगा मेरे को दे दिया जाए। अच्छा, मतलब पैसे की भी डिमांड आपसे किया गया? हाँ, जाति सूचक शब्द बना के लाख डेढ़ लाख ऐठने की बात हुई, लेकिन मैंने बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे आपको एक भी रुपया नहीं दूंगा, आप भले ही मैं फांसी पे क्यों नहीं चढ़ जाऊं, अगर मैं गलत हूं तो भगवान मेरे साथ नहीं होंगे, अगर मैं सही हूं मेरे साथ भगवान होंगे। मतलब आपकी समस्या कुछ नहीं है, सिर्फ बिजली विभाग से यही शिकायत है कि मेरे यहाँ बिजली कनेक्शन है, हम हर महीने बिजली का पेमेंट पे करते हैं, बावजूद हमको वोल्टेज नहीं मिला। आप देख ही रहे ना, आप खुद आपने दिखाया पंखा कितना स्पीड चल रहा है, आपको भी गर्मी लग रही है, मुझे भी गर्मी लग रहा है, आप खुद देख रहे हैं। एक डॉक्टर के साथ क्या होगा, अगर चार में मशीन लगा दूं तो क्या होगा, मेरा वायर क्या होगा, आपको फिर कैसे अस्पताल का काम बाकी काम कैसे, जनरेटर सब कैसे, जनरेटर प्राइवेट से लिया जा रहा है, जनरेटर भी जिनसे लिया आप उनसे भी पूछ सकते हैं पेशेंट। जनरेटर बिजली कनेक्शन लेने के बाद भी जनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है, लेना ही पड़ रहा है ना, आप खुद सोचिए। दुर्भाग्य की बात है हमारे बिरौल में, जो बिजली ऑफिस के जस्ट अपोजिट में जेई और पदाधिकारियों के रहने के बावजूद भी आधे आधे दूर पर लाइन है, मात्र 600 मीटर में लाइन नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। हम आपसे एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि कहीं भी अगर एक रोड से लाइन गुजरता है, क्या पूरा गुजरता है या आधा कट कट के गुजरता है? पूरा गुजरता है ना, तो ये कौन सा जगह है जहां जो मेन रोड है, जहां पे सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं डेली की डेली, जहां पे इतने अच्छे रोड है, क्या बिजली वहां ना हो, ये मुनासिब की बात है? ये मेरा यही सवाल था उनसे। उन्होंने बोला नहीं, वहां तार गया ही नहीं, वो ये मेरा काम नहीं है, टाल मटोल करने की बात है। बिजली विभाग के जो पदाधिकारी है उनसे सवाल किए तो भड़क जाते हैं। हाँ, बार बार भड़क जाते हैं। और मैं क्या बताऊं जी, अगर मेरे पास मेरा मोबाइल चोरी ना हुआ होता तो सारे के सारे भेद आपके सामने होते। कैसे कैसे चोरी हुआ? मैं जा रहा था ऑपरेशन के लिए दरभंगा, मेरे स्टाफ का पेशेंट मतलब पड़ा हुआ था वहाँ पे, ऑपरेशन के माध्यम के लिए जा रहा था कि ऑपरेशन कैसा होगा नहीं होगा देखने के लिए। जो सोनकी में दुर्घटना? हाँ, सोनकी में दुर्घटना, सोनकी थाना में केस भी रजिस्टर्ड है, अगर आप चाहें तो केस का कॉपी वहाँ से ले सकते हैं। मैं जितने भी बात मैंने, झूठ बोलना मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँगा झूठ बोल के, मुझे क्या मिल जाएगा? बिल्कुल, मैं झूठ बोल के मुझे कोई फायदा नहीं है, या मुझे किसी से पैसा नहीं हटना है, या मुझे कुछ ऐसा है नहीं। सोनकी में मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, कैमरा भी पलक हॉस्पिटल है, पलक हॉस्पिटल में साफ साफ दिख रहा है कि कैमरा जो है उसमें निकाला गया मेरा, उस मोबाइल के अंदर सब कुछ था, सब कुछ था रिकॉर्डिंग। संजोग से आप किसके द्वारा कराया गया मुझे भी नहीं पता, मैं उसमें भी कुछ नहीं करना चाहता, मैं पहले अपने आप को स्वस्थ होना देखना चाहता, अभी भी मेरे प्यार में जख्म है, आप भी आपको ही पता ही है, मैं उसमें कुछ छानबीन में नहीं पड़ी। जेपी मेमोरियल अस्पताल के डायरेक्टर समझिए, निर्देशक समझिए, और ये कह सकते हैं कि इस अस्पताल के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर रूपक सिंह हमारे साथ मौजूद थे, इनके ऊपर जो आरोप लगा था, और बिजली के कर्मचारी हैं और लाइनमैन कहिए दिनेश पासवान के द्वारा एक जाति सूचक शब्द और कुछ पैसे छीन लेने की बात की गई थी, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की बात की गई थी, और तमाम आरोप इनके ऊपर लगाया गया था। हालांकि डॉक्टर रूपक सिंह ने सारे आरोप को निराधार बताया है, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अनुसंधान के बाद जो निकल कर बात सामने आएगी वो स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वाकई इनके साथ जो घटना हुआ वो सही था, क्या डॉक्टर रूपक ने उसकी पिटाई की थी, क्या इन्होंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था, क्या उनका पैसा छीन लिया गया था, क्या उनका जो सामान काम करने वाला था जो आईडी था वो छीन लिया गया। आईडी की भी आवाज से याद आ गया, आईडी भी आप छीन लिए थे उनका? अच्छा, बताया आईडी था तो आपने अभी इंटरव्यू लेके आया, आईडी कहां से आ गया? 5 मिनट में कोई आईडी बना देगा क्या? कह रहे थे कि हम बेनीपुर से बना के लाए, 500 रुपया खर्चा। अच्छा, ये मतलब जिस जगह 500 रुपया खर्चा किया हो शायद उनसे पूछ लिया जाए, या मान ले आईडी छीन ले गया, या आईडी अगर 5 मिनट बन जाता तब तो हम सारे स्टाफ को दे सकते हैं आईडी बना के, लाइन बना के भेज सकते हैं, आप भी ले सकते हैं आईडी, इतना आसान है क्या आईडी बनाना? आपसे पूछ रहे हैं, इतना कि जैसा आपका साइन होता है आईडी इशू हो जाता है। बाप, या इतना आसान अगर आईडी हो गया तब तो सारे ले सकते हैं आईडी, तब तो यहाँ भी गंभीर समस्या है, तब तो आए दिन कोई भी लाइनमैन बन के मुझे ठग सकता है। अच्छा, जो वीडियो सीसीटीवी का था, आपने जितना वीडियो दिया था, जब रस्सी से आप उनको बांध दिए थे, तो फिर वो यहाँ से कैसे गया, उनके साथ जो दो लड़का और? आपसे हम पूछते हैं, बांधने का बात अगर होता, अगर मारने की बात होती तो वो भी वीडियो आना चाहिए था। ना सिर्फ लात चलाने वाली वीडियो क्यों आएगी? कोई 2 सेकंड में लात चला देता है क्या? या तो मैं मेंटल हूँ, या तो मैं टेम्परामेंट हूँ, मेरा मेडिकल जांच हो, या फिर उस लड़के का मेडिकल जांच हो। अगर मैं इस बात पे डिटो हो जाऊंगा कि जो यहाँ झूठ और सच बोलने वाला मेडिकल जांच होता है, अगर जांच कराया जाए तो पक्का दोषी पाया जाए। उनके साथ कई लोग संलिप्त हैं जो ये काम करवाना चाहते हैं, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई मेरे विरुद्ध कोई चीज बोले या मेरे अपने हक की बात करे। उनका उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद भी जब पुलिस वाले ने पूछा सर क्या बात है, तो उन्होंने बोला केस करिए, हम कह रहे हैं केस करिए। अच्छा, ये बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा, और मैंने जब फोन पे बात की तो उन्होंने बोला कि मैंने तो बोला ही नहीं, 2 मिनट में मुकर गए मेरे सामने बोला और मुकर गए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो अधिकारी हैं,
सरकारी अधिकारी हैं, अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए और पूरी विस्तृत जानकारी लेने के लिए। अस्पताल है खोरागाछी रोड में, जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध है। और इनके अस्पताल का सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब से यह अस्पताल चालू हुआ है तब से यहाँ पर बिजली की समस्या है, लो वोल्टेज की समस्या है। और इस लो वोल्टेज का समस्या का समाधान एक ही है कि यहाँ पर अस्थायी पोल लगाया जाए और इस पोल से डायरेक्ट यहाँ तक कनेक्शन दिया जाए। लेकिन इनको 500 मीटर दूर से बड़ा लंबा केबल खींच दिया गया है और हर बार जब वोल्टेज की समस्या होती है, जब इनका शिकायत जाता है, तो उसी केबल को इस समस्या का कारण बता दिया जाता है, लंबी दूरी का कारण बता दिया जाता है। और यही कारण है कि अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब देखना होगा कि क्या ये केस कहाँ तक जाता है, केस कैसे खत्म होता है और क्या कुछ होता है, यह अनुसंधान की बात है। लेकिन इस अस्पताल की जो समस्या है, बिजली की समस्या है, वो कब सुधार हो पाएगा? क्या इस ऐ साहब के सामने, इस जय साहब के रहते हुए सुधार हो पाएगा या इसके लिए कुछ और दिन इंतजार करना होगा? ये तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है, ये मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इस अस्पताल के अंदर बैठा हूँ और पसीने से पूरा बदन जो है इस वक्त पूरा आप देख सकते हैं किस तरह क्या हाल हो गया है। तो जेपी मेमोरियल अस्पताल खोरागाछी के रोड में है, अगर इस विभाग के पास समय है तो एक बार आकर के जाँच जरूर कर लें।